फिर तकलीफ देती है। कहते जिस बात का सारे फसाने में जिक्र भी ना था, जिस बात का सारे फसाने में जिक्र भी ना था, वही बात जनाब को नागवार गुजरी है। ऐसा तो कुछ नहीं लिखा सी मैं ट्वीट च रात नूं जिन्हों देख के पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी शब्दां दी मर्यादा चों बाहर हो गए। कोई उहदे विच तां सिर्फ मतलब दी गल लिखी सीगी भी थिएटर वगैरह जिहड़े ड्रामे नौटंकियां वास्ते हुंदे है, मसले पंजाब दे है, मसला पंजाब दी होंद दा है, पंजाब दे वजूद दा है, पंजाब दे पाणियां दा है। सिंपल जिहा सवाल पहले पुछिया सीगा भी भगवंत मान जी आ स्पष्ट कर दिओ किस दबाव दे हेठां आके तुसी पंजाब दा जिहड़ा स्टैंड है पाणियां नूं लैके सारी पार्टियां दा, एक आम आदमी पार्टी नूं छड्ड के बाकी सारी पार्टियां दा स्टैंड है, पंजाब कोल किसे नूं लैण देण नूं कोई एक बूंद भी पाणी साडे कोल फालतू है नहीं किसे नूं देण वास्ते, तुसी जाके किस वजह दे नाल उत्थे सुप्रीम कोर्ट दे अंदर इस गल दी हामी भरी भी सर्वे कीता जावे, ते कला सुप्रीम कोर्ट दे अंदर ही हामी नहीं भरी, तुसी उस गल दे उत्ते अपनी जिहड़ी थोड़ी साजिश है उस साजिश दा अगला जिहड़ा चैप्टर खोलिया वो तुसी खोलिया जदों नवें अपॉइंटेड थोड़े एडवोकेट जनरल साहब ने पहली स्टेटमेंट जिहड़ी छड्डी अहुदा संभालण दे बाद भी असीं गुआंढी सूबिआं नाल बैठ के गलबात करांगे। गलबात कादे ते करोंगे, कोई गलबात करन नूं थां है नहीं, गलबात सीधी स्पष्ट है, सारी दुनिया नूं इस गल दा अहसास है, कोठियां ते चढ़ चढ़ के असैंबली दे अंदर यूनानिमस रेजोल्यूशन पास होया वी पंजाब दे कोल पाणी किसे नूं देण वास्ते एक बूंद कतरा वी साडे कोल फालतू है नहीं। क्यों तुसीं जाके पंजाब दा स्टैंड डायल्यूट कीता, क्यों तुसीं अज इस किस्म दीआं हरकतां जिहड़ियां कर रहे हो, मर्यादा चों बाहर हो के जिहड़ियां गल्लां कर रहे हो, तुहाडे आप दे शख्सीयत नूं, क्योंकि मैनूं तुहानूं 1.5 साल तक बड़ा नज़दीकी तो पार्लीमेंट के अंदर थोड़े नाल काम करने का मौका मिले मैं समझदा, तो थोड़े तो भी ज़्यादा जिस कुर्सी ते तुसीं बैठे हो मुख्यमंत्री की कुर्सी उस अहुदे नूं आ गल शोभा नहीं देंदी जिहड़ी भाषा शब्दावली तुसीं इस्तेमाल करी जांदे हो। घट्टो घट उस अहुदे का ध्यान जरूर रखो जिहदे उत्ते सरदार प्रताप सिंह कहरों कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्गे लोग उत्थे बैठ के गए है, तो जिन्हां ने पंजाब दे भविख वास्ते पंजाब दी खुशहाली वास्ते हर संभव कदम चुके है। याद करो, मैं याद थोड़े राही भगवंत मान जी नूं याद कराना चाहूँगा, तो उन्हां दे राही पंजाब दे रियल जड़े है डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर केजरीवाल साहब दे बयान थोड़े सामने रखना चाहूँगा, जदों उन्होंने कहा सीगा भी मेरे कोल पंजाब दे पाणियां दा हल हैगा, तो मैं जे मनु प्रधानमंत्री बुलाण तो मैं वो एक दिन च मसला हल कर दूंगा। भगवंत मान जी आ जिहड़े तुसी कदे नौटंकी वास्ते थिएटर बुक करदे हो किते होर करदे हो किते, आ सारा कुछ ड्रामा इस करके तो नहीं खेडिया जा रहा भी पंजाब दे पाणियां नूं लैके जो साजिश वाली स्कीम, क्योंकि अगर केजरीवाल साहब दे दिमाग दे अंदर कोई स्कीम पनप रही है वो पंजाब दी भलाई वास्ते नहीं हो सकती, कोई ना कोई पंजाब दे टांका लाण दी जिहड़ी स्कीम है उहदा एक जिहड़ा तुसीं पहला कदम सुप्रीम कोर्ट च चक्किया, दूजा चैप्टर लिखिया थोड़े एडवोकेट जनरल साहब ने, तो हुण जिहड़ा तुसीं कर रहे हो आ उस स्कीम दा तां कोई हिस्सा नहीं, उहदे उत्ते पंजाब दे लोकां नूं जाणू कराण दा समां है। इंग्लिश च जिहड़ा जो तुसीं अज कर रहे हो उहनूं अगर इंग्लिश च रखिया जावे, बिकॉज हो की रहा अज तुसी देखो थोड़े सामने की घटनावां वापर रही हैं। अज गवर्नर साहब का बॉर्डर ते दौरा है, उत्थे जाके ड्रग वाला मसला चक्या जाऊगा, अमृतसर गए है नैचुरली उत्थे जिहड़े SSP हटाए गए है मिस्टर चहल नूं, ते उन्हां दे MLA दा जिहड़ा मसला आना वी दिन दिहाड़े उत्थे माइनिंग चल रही है, ड्रग का मसला माइनिंग का मसला उत्थे उठना है,
थोड़े बाकी एमएलए मसले ड्रग के नाल रोज़ मौतां हो रही उन्होंने लैके मसले उठने हैं उस गल तो ध्यान भटकाने वास्ते तो जेड़े थोड़े तो जवाब मंगे है पंजाब के पानिया लैके उहदे वास्ते तुसीं भज्जण वास्ते एज इन इंग्लिश दे से इट इज़ बेसिकली ए मूव ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड डिसेप्शन ध्यान भटकाना ते धोखा देना दोनों काम भगवंत मान जी आ जो कुछ कर रहे हैं। भगवंत मान जी पंजाब के लोगों ने 2022 दे असेंबली इलेक्शन के अंदर एक फतवा जारी किया सीगा उस समय दियां हुक्मरान या मेन जिहड़ी मेन स्ट्रीम पार्टी सीगी उन्हां दी कार्रवाई उन्हां दी पोलिटिकल वर्किंग नूं देख के लोगों ने फतवा दिता उन्हां दा तां हिमतिहान उस दिन ही खत्म हो गया सीगा। 2 तिहाई तो ज़्यादा बहुमत थोनू 92 सीटां दे के जिताया है। अज तुसी ड्राइविंग सीट दे अंदर हो यू आर द चीफ मिनिस्टर यू आर सिटिंग इन द चेयर यू आर द वन हू हैज़ टू आंसर अज जवाब तुसी देने है अज तुसी जवाब देने है पंजाब दे लोकां नू जदों मैं लिखिया भी सी पंजाब मंगदा जवाब पंजाब दे लोग थोड़े तो जवाब मंगदे है भी किधर गया 50,000 करोड़ रुपया क्यों तुसी साडा पानियां दा स्टैंड उत्थे रोल के आए हो क्यों साडे तुसी आ जिहड़ी वित्तीय हालात पंजाब दी कंगाली दी तरफ तुसी लै के जा रहे हो रंगला पंजाब तां पता नहीं कदों बणूगा कंगला पंजाब बनाउण वास्ते जिहड़े तुसी कदम चक रहे हो उहदे वास्ते अज पंजाब दे लोग थोड़े तो जवाब मंगदे हैं। यू आर इन दैट चेयर यू हैव टू आंसर यू आर इन दैट हॉट सीट उहदे वास्ते मैं समझदा भगवंत मान जी बेहतर रहूगा तुसी इहदा जवाब दिओ असेंबली सैशन भी जे अगर तुसी बुलाया है दैट इज़ द राइट फोरम उत्थे बैठ के जवाब दिओ लोगों नू सवाल पुछण दी बजाए। इस करके एक मैं फिर बेनती करूँगा भगवंत मान जी मर्यादा च रह के सारियां गल्लां चंगियां लगदियां ते खास तौर पर जिहड़ी कुर्सी ते तुसी बैठे हो उस कुर्सी का तो घट्टो घट तुसी ध्यान रखोगे इन्नी मैनू उम्मीद है। थैंक यू सर बाद में कर लेंगे दीगा एक बात जी कर बाद में सर बाद में कर लेंगे। देखो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है कल्ले एक पंजाब हरियाणा राजस्थान या गुजरात दे नहीं उन्हां दा रिस्पोंसिबिलिटी पूरे देश दे प्रति है। उन्होंने जिहड़ी गल आ भी कही सी भी साडे कोल नर्मदा जे अंदर स्पेयर पानी सीगा सी राजस्थान नूं देता ते कल अगर किसे उन्हां नूं लगदा है प्रधानमंत्री जी नूं भी यमुना दे विच फालतू पानी उन्हां कोल है ते हरियाणा नूं दे सकदे आ या उधरों नर्मदा चों होर पानी राजस्थान नूं दे सकदे आ ते पंजाब दी जिहड़ी घाट उहनूं पूरा कर सकदा ते कर देण। फैक्टरी मेन्स पंजाब को लैण देण नूं पानी है नहीं साहब राजस्थान नूं कित्थों दिंदे है हरियाणा नूं कित्थों दिंदे है वह जाण पंजाब दे कोल किसे नूं देण नूं पानी है नहीं साहब। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨੌਟੰਕੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਊਂਗਾ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਅ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਮੇਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰੋ ਡਿਬੇਟ ਔਨ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਈਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਅਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸਲਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਿਰ ਅਗਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਇਓ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਓ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ SSYL ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿੱਥੇ ਪਊਗਾ ਅਬੋਹਰ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਟੇਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ
कहिंदे ना चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ने घटी और नीर, असी कहिंदे नहीं घटदा साहब नीर घटदा, एक चोंच भी लैके जांदे साडा घटदा पानी, जिहड़ा पानी एस वाई एल दे थ्रू जाऊगा वह एवेंचुअली जाके उहदी मार पऊगी अबोर इलाके दे अंदर, बल्लूवाणे इलाके दे अंदर, उत्थे जाके वजना, आओ उत्थे करिए चलिए, आओ उत्थे चलिए, उत्थे रखदे सब, उत्थे सारे न्योता भी दे लैंदे, खुली गल करदे आ, असी डिबेट तो नहीं भजदे साहब, नौटंकियां तो असी चालू हैं साहब, क्योंकि सानू चुटकले बनाने नहीं आते, सानू नौटंकी करनी नहीं आती, असी तत्थां दे उत्ते गल करदे आ। ते सब तो वड्डी गल है जिस तरह जिहड़े लहेजे जे गल कीती उदों भी भगवंत मान जी, चलो उस उहनां दे अहुदे दा कदर करदे हो, मैं नहीं कहा उहनां दे शब्दावली जिहड़े अहुदे ने इस्तेमाल कीती सी भी आओ कहिंदा रोज दी आ किच किच बंद करिए, आ तानाशाह दा रवैया आ जांदा साहब नशे दा, मैं आ नहीं कहिंदा किहड़े नशे, मैं किसे दी निजी जिंदगी ते कमेंट नहीं करदा, मैं उस नशे दी नहीं गल करदा, मैं नशे दी गल करदा सत्ता दा नशा, सत्ता दे नशे दे अंदर जदों कोई आदमी अपोजिशन दी गल्लां नूं किच किच समझण लग जे, मैं समझदा उहदे अंदर तानाशाह दा भूत वड़ गया, किच किच नहीं हुंदी साहब। ते जिहड़ी नॉन सीरीअसनैस तुसीं दर्शा रहे हो भी मैं तो बिना नोट्स ही आ जाऊँगा, मैं तो तैयार ही हाँ, आ साहब कोई स्क्रिप्ट तो है नहीं जिहड़ी तुसीं जाके करके आ रहे, मुतत है मुद्दे है जिन्हां दे उत्ते तुसीं आके गल करनी है, उन्हां दी गल करो, लोगों नूं भटकाओ ना, दैट्स वाई आई सैड आ सिर्फ तो सिर्फ इट इज़ डिस्ट्रैक्शन एंड डिसेप्शन बीइंग प्लेड आउट बाय दिस थिंग, यह सारा ध्यान भटका के अज दे दिन, क्योंकि सेक आ रहा है इन्हां नूं, कोई सवाल संजय सिंह दी उन्हां दी इत्थे कोई पंजाब दे नाल कोई कड़ी जुड़दी है कि नहीं जुड़दी है, वो जिहड़ा एक्साइज घोटाला इत्थे आ के किहदे ते डिगूगा, किहड़े जिहड़े लोग कहिंदे सी असीं तां घर ही नहीं बनाउणा, अज कोर्टां च तुरे फिरदे आ वी साडा मकान साडे तो खोही जांदे आ, साडी अलॉटमेंट जिहड़ी है एम पीआं दी ओह साडे तो लई जांदे आ, इत्थे नशे दा करजे दा सारा मसले पंजाब दे, उन्हां तो ध्यान भटकाने वास्ते एक नौटंकी आ चालू कीती है जो मुख्यमंत्री दे पद नूं शोभा नहीं दिंदा। मैं कह रहा जी उत्थे आ जाओ अबोर आ जाओ जिथे पानी दी चोट वजनी है साहब, एस वाई एल दा पानी अगर घटूगा पंजाब दे पानियों चों घटना है साहब, पानी तां साडे कोल उन्ना ही लिमिटेड है, वह पानी अगर उन्हां नूं दे दिंदे हो तुसीं किहदे किहदे खाते चों जाऊगा जिहड़ा टेल ते बैठा है, सानू तो वैसे अच्छे पानी नहीं आ रहा, तो जे उत्थे जे टेल ते जे आ हाल होणगे तो घटूगा तो पानी साडा ही जाना, इस करके मैं उत्थे चली आओ उत्थे करदे आ बोर दे विच स्टेडियम च बाहर ला लांगे। तो जिवें बाकी साथियों ने कई ने कंडीशन तुसीं रखी, कांग्रेस के साथियों ने कहा भी उत्थे कोई सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज, कोई भी एक समझदार सुलझा इंसान जिहदे उत्ते सारिआं दा जी टिकदा होवे भी आ पक्षपात नहीं करूगा, उन्होंने उत्थे मॉडरेटर ला लें, सारे अपनी 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 गल रखन, भगवंत मान जी भी आ जाए पता लग जूगा भी पानी की होंगे। हाँ जी सब हो सकता, कोई ना कोई कॉमेडी शो कर रहे हो, मैं इनवाइट कर रहा साहब, अगर उन्होंने लोकेशन की गल है ना, हाउ कम ही कैन डिसाइड, ही इज ए पार्टी एज मच एज ए पार्टी एज एनीबडी एल्स। जदों मैं थोनू दसा एक मिनट साहब, एक मिनट होर ही गल करना, कुछ दिन पहला यह जी एक मीटिंग किसान साथियों ने बुलाई सी, मेरे को भी आए बड़ा मान सत्कार, मैं पहला भी जो उन्होंने की पहला भी गए सी ऐत के आए, मेरा जवाब उन्होंने बड़ा सत्कार, मैं कह जी जेडे थोड़े मुद्दे है मैं बिल्कुल किसान असी आप पहले किसान है बाकी राजनीतिक बातचीत, पर मैं कह जी अज जिहड़ा तुसी मैनू सद्दा देण आए हो उहदा अधिकार तुसी उस दिन गवाता सीगा जिस दिन तुसी राजनीतिक चोला पा लिया सर, यू आर एज मच ए पार्टी टू दिस, चाहे बाद च उन्होंने जो कुछ उन्होंने सीगा भी नहीं मैं तो मेरी मर्जी तो खिलाफ ये वो सारिया गल्लां बाद दीआं, सो अज दे दिन इस सारे मसलों के अंदर भगवंत मान जी तो अक्यूज्ड है, ही कैन नॉट डिकटेट द टर्म्स, कोई तीजी न्यूट्रल तेरे सानू बुला के बैठ के भी इत्थे बैठ के आपां गल करिए, अबोर तो वड्डी न्यूट्रल भूमि पंजाब पाणियां दे वास्ते को हो ही नहीं सकदी सर। साहब मैं टैगोर थिएटर दे दा बिल्कुल जिहड़ा इहनां दा इहनां दी ही हैज़ नो राइट द भगवंत मान जी टू डिकटेट द टर्म्स ऑफ डिबेट, तो उहनां दे हिसाब नाल चले उहदा डिबेट हो नहीं सकती, इट हैज़ टू बी अ फेयर प्लेइंग ग्राउंड सारे वास्ते हुए, मैं समझदा वो लोगों भी पार्टिसपेट कर दो, अबोर वाले लोगों पता लगे भी यह वजनी तो थोड़े ते है,
वर्ल्ड वार जो हाँ जी वेन्यू एंड हु इज गोइंग टू मॉडरेट सर बिल्कुल सर दैट्स अगेन गल ओही आ गई ना डिस्ट्रैक्शन तो उत्थे आ गई सर हुण वेन्यू ते ते उहदे ते लड़ी जाने मसला तो आया भी तुसीं जवाब देना पहला 21 तरीक नूं या 20 तरीक नूं विधानसभा च दे देण भी मैं स्टैंड क्यों डायल्यूट किया जवाब मंगी जाने उन्हां तों असीं उहदे बाद अगर होया तो बैठ के गल भी कर लांगे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी च रख लैण एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी च रख लैण सर देखो हाँ तो देखो तुसी थोड़ी फ्रेटर्निटी है तुसी दसो किस किस्म का मीडिया होगा कि नहीं होगा बट पब्लिक डोमेन च होना चाहिए अबोर कर लैन लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी च कर लैन सर जी देखो पहला आपदा तो बचा लिए सब अगले रोकने की भी गल होगी कि भी गल होगी ए मतलब आ नहीं भी अपना करते करते अपना कहते सस्या मास खाया कर क्या मेरा आपदा बचा रहे कि इन्हू चक वटदा मैं तो पोजिशन जी है आ है अज के दिन अपना संभालीए जो बाढ़ ही खेत नू खाण लगी भी सरकार जाके उत्थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके कह रही है भी सानू तो कोई इतराज नहीं तुसी उन्हां दे कढ़ा के देख लो जिहड़ी उत्थे उन्हां दे लॉयर दी स्टेटमेंट है उन्होंने किते इस गल नू डिनाई नहीं किया अपोज नहीं किया भी सर्वे टीम ना भेजी जाए उत्थे कहिंदे हाँ जी भेज दिओ बड़ा सिंपल जी गल सी भी ना तो उत्थे हुण नहर है ना उत्थे जमीन है जमीन लोगों नू वापस करती फिर क्यों नहीं उन्होंने अपोज किया दैट मीनस कोई ना कोई सांठ गांठ है वह पहला अपना जवाब दे देण असीं तां डिबेट करन नू हर टाइम तैयार हाँ मुद्दयां दे नाल करांगे देखो मैं सारे रिकॉर्ड खंगाले क्योंकि मैं उन्हां वांगू बिना वो तो शायद उन्होंने पूरा इतिहास पता हो पंजाब का हिंदुस्तान का या वर्ल्ड का सारा इतिहास भगवंत मान जी नू आई हैव नैवर फाउंड एनी वेयर एनी मैनशन जो 82 की गल कर रहे हैं मेरे पिता चौधरी बलराम जाखड़ एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर सके ही वॉज स्पीकर ऑफ द लोक सभा आई थिंक बाय वर्च्यू ऑफ दैट ही वॉज नॉट सपोज टू बी पार्ट ऑफ एनी पोलीटिकल फंक्शन सैकेंडली जिन्ने के अखबार मैं फरोले है उस तरीक दे 8 अप्रैल का 1982 का है तो 9 अप्रैल के जोड़े अखबार है जिन्हों को डिजिटाइज या जिन्हों को कॉपीज पई है जी मैं सवेर तो क्ड सकियाँ वो कि मैनशन है नहीं वो चौधरी भजन लाल का सरदार दरबारा सिंह जी का चौधरी बंसी लाल जी का उन्होंने नाल उस समय के इरीगेशन मिनिस्टर सेंटर दे ते दो जड़े डिप्टी मिनिस्टर ऑफ स्टेट सीगे सरदार बूटा सिंह जी ते चौधरी दलबीर सिंह जी इन्हां दे नाँ है हिज नेम डज नॉट अपीयर और एनी वे दैट इज़ अ फैक्ट बाकी जिते तीन गल है मैं नहीं समझता चौधरी बलराम जाखड़ की सफाई देने वास्ते सुनील कोई कोई जरूरत है ना ही भगवंत मान जी इस पोजिशन से है भी उन्होंने कोई सवाल जवाब कर सकन देखिए भगवंत मान जी मर्यादा में भाषा की अपनी जुबान की और अपने पद के गरिमा को ध्यान में रख के बात करें तो बेहतर होगा क्योंकि ये ना तो उनके किरदार के साथ मैच करता जिस किस्म की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है और ना ही उनके जिस पद पर बैठे हैं उसकी गरिमा को शोभा देता जिस किस्म की है जहाँ तक तथ्यों की बात है मैं समझता हूँ जहाँ तक एक तस्वीर की बात उन्होंने की है एक फोटो की जहाँ पे बात की है मुझे लगता है कि इसमें इतनी सच्चाई है जितना कि BMW का प्लांट यहाँ पे लगना था या इसमें इतनी सच्चाई है जितना उन्होंने कहा था कि वो भगोड़ा जो वहाँ पे अमेरिका में है गोल्डी बराड कड़ा उसको हमने गिरफ्तार कर लिया गोल्डी बराड को हमने गिरफ्तार कर लिया किस समय कैसे उन्होंने देखी है मैं उनके निजी जीवन के ऊपर मैं उस लेवल पर नहीं जाऊँगा तो मैं नहीं समझता इनकी बात को कोई तूल दिया जाना चाहिए जहाँ तक बात उस समय की है बिल्कुल उस समय चौधरी बलराम जाखड़ भी कांग्रेस में थे सुनील भी कांग्रेस में था अगर उस समय को फैसला लिया गया SYL नहर को बनाने का उस समय की पानियों की स्थिति को देख के लिया गया उस समय जो पानी की थे आज भी सबसे बड़ा जब सुप्रीम कोर्ट में केस इससे पहले लड़ा गया उसमें कहा गया था आज की प्रेजेंट सिचुएशन का आकलन किया जाए कि आज पानी कितना है
जब ये बंटवारा हुआ उस समय पानी कितना था, 17 से ज्यादा मिलियन एकड़ फीट पानी था, परंतु आज वो घट गया। उस समय जो समझौता किया गया सही था गलत था, अगर उसमें कोई गलतियां हुई हैं तो उसका निपटारा भी उस समय, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की जिस तस्वीर की बात ये कर रहे हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने 2004 के अंदर टर्मिनेशन ऑफ वाटर एग्रीमेंट करके उस सारे मसले को जड़ से खत्म कर दिया था। आज भगवंत मान जी और उनकी सरकार के द्वारा गड़े हुए मुर्दे फिर उखाड़े गए हैं, एक अपने निजी स्वार्थ के लिए हरियाणा में अपनी पार्टी के पैर लगवाने के लिए और अपने राजनीतिक मंतव्य को पूरा करने के लिए। उन्होंने पंजाब का टाइम टेस्टेड जो स्टैंड है हमारे पास पानी देने के लिए नहीं है, पंजाब आज एक डेफिसिट सूबा बन गया है पानी को लेके, इस बात को स्टैंड को डाइल्यूट इन्होंने किया है। आज जवाब भगवंत मान जी दें, ये इस किस्म का भटकाने के जो प्रयास किया जा रहा है, लोगों को धोखा देने का प्रयास किया जा रहा है, ये गैर जरूरी जो डिबेट चालू की है, पंजाब के करंट मुद्दा आज सबसे बड़ा, पंजाब की लाइफ लाइन है पानी जो है, उसके साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसके ऊपर जवाब भगवंत मान जी देंगे। शगुफा इज द राइट वर्ड जी, बिकॉज मैं फिर दोहराऊंगा, थिएटर के अंदर जाके नौटंकी होती है, ड्रामे होते हैं, थिएटर में डिबेट नहीं होती। अगर वहां पे इस मसले से, क्योंकि अगर अबोर में किया जाता है उस टेल एंड का, अबोर बलुआने इलाके की मैं बात करता हूँ, फाजिल का वो टेल एंड पे बैठा है, वहाँ पे पानी की हमेशा से दिक्कत रही है, आज भी है। एक बूंद भी पानी अगर पंजाब का हरियाणा को या किसी दूसरे सूबे को दिया जाता है आज, तो उसके सीधा सीधा असर उस एरिए पे पड़ेगा। तो या तो डिबेट वहाँ पे हो, और अगर इंटेलेक्चुअल साइंटिस्ट जो एग्री साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने पानी का मुद्दा समझते हैं, इसकी गंभीरता को समझते हैं, वो पंजाब की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है लुधियाना, वहाँ पे बैठ के वहाँ पे वो इंजीनियर्स, एग्री इंजीनियर्स या वहाँ की फैकल्टी जो है वो बैठ के मॉडरेट करें। मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी अगर यमुना में से या कहीं और से पानी का प्रबंध कर सकते हैं तो बिल्कुल उनकी जिम्मेवारी भी बनती है देश के प्रति। मैंने कहा प्रधानमंत्री अकेले पंजाब के या हरियाणा के या किसी एक सूबे के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है, उनका दायित्व है कि ऐसे मसलों को सुलझाएं। परंतु ये भी एक स्पष्ट बात है, ये एक हकीकत है कि पंजाब के पास देने के लिए पानी नहीं है, हम तो खुद पानी की तलाश में भटक रहे हैं, तो हमारे से पानी काहे की उम्मीद कर सकता है हरियाणा से। देखिए रिजॉल्व उनकी मंशा पे डिपेंड करता है, आज जवाब तो उन्होंने देने, वो जवाब मांग रहे हैं, जवाब मांगने के बजाय भगवंत मान जी को अपना स्टैंड स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्यों उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर पंजाब का जो स्टैंड है उसको डाइल्यूट किया, क्यों उनके एडवोकेट जनरल जो नए लगे हैं उन्होंने बातचीत की बात सबसे पहल की, ना कि अपने मुद्दों को सुलझाने की, कानून के तौर पर लड़ाई लड़ने की बात करते, बातचीत के जरिए, बातचीत तो आप देन यू आर ओपन टू नेगोशिएशन, देयर इज नथिंग टू नेगोशिएट नाउ, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं, हम कहा क्या नेगोशिएट करें। मैं समझता हूँ ये सारे मुद्दे फिर से प्रखर होंगे सब उसी बात के लिए, 3 दिन अब आप यही चलते रहेगा कि भगवंत मान जी ने ट्वीट किया, किसी फोटो की बात की है, पता नहीं वो सही है कि गलत है, किसी किस्म का जो मैंने पहले भी कहा है फिर कह रहा हूँ, उतना ही सच है इस बात का कि जो BMW का प्लांट था या जो गोल्डी ब्राड का मसला है, उस सारे मसले को देखते हुए इतना जरूर है कि 2 बार वहां से भगवंत मान जी MP रहे हैं संगरूर इलाके से, और खुद उनके बयान है, अभी कुछ दिन पहले मैं उनके बयान देख रहा था कि वहां पे नए, वो कहते थे मेरी उन्होंने ट्वीट च लिखा मेरी ड्यूटी खाड़ते रात नू पानी दी संभालने वास्ते होंदी सीगी, और वही भगवंत मान जी हैं जो कुछ दिन पहले के हटे हैं कि हम साढ़े संगरूर इलाके के अंदर जेडे खाड़ सीगे या जेडी कस्सियां सीगियां सारियां खत्म हो गई, तो थोड़े वर्गे ही सीगे पानी लाने वाले भी, थोनू खाल ही रुड़ गए तुसी। हमारे अबोर इलाके की जब बात करता हूँ साहब, अगर वहां पे जाके आप कोर्ट में केसेस फोड़ेंगे तो एक एक मिनट के लिए कत्ल हुए हैं पानी की, 1 मिनट बारी के लिए,
कत्ल हुए हैं परिवारों के अंदर, सबसे ज्यादा लिटिगेशन पानी को लेके है, जितनी लिटिगेशन वहां के आप रिकॉर्ड निकालेंगे पानी को लेके हुई है, क्योंकि पानी की लोग हम कदर समझते हैं। तो मेरा ये मानना है कि वहां पे उन्होंने पानी कैसे संभाला, क्योंकि रात का समय है साहब, रात को कहते ना पंजाबी लोग या तो निंद्रे दे मारे होंगे या नशे दे मारे होंगे, उत्थे दा तो मैनू पता नहीं, पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर नशे में, सत्ता के नशे में अहंकारी हुई सरकार ने पंजाब का जो पानी है नक्का बनया नहीं, नक्का नहीं उन्होंने तो खप्पे खोलते सारा पानी उधर उधर जरा तोड़न की गल की है, उदा जवाब भगवंत मान जी देन। मैं साहब मैं कोई ज्यादा समझदार कैसे तो ना, मैं समझदार मे बी आई एम द मोस्ट अनफिट मैन फॉर दिस पोलिटिकल पोजिशन, बट असी भुगत भोगी हैं साहब, बंदा रगड़े खा के निकलता है, पानिया की सट असी झेलते हैं साहब, सानू पता है पानी की कदर की है। मैं विधानसभा के अंदर ऑन रिकॉर्ड, चाहे साड़ी सरकार रही कैप्टन साहब रहे चाहे बादल साहब रहे, मेरी हरेक सैशन च अपील होंगी सी भी एक यूनानिमस फैसला लो, इतने सारी पार्टियां सरकार किसी की बने, जेड़ा इरीगेशन मिनिस्टर पंजाब का होगा वह मालवे इलाके का साढ़े आले पासे दा होवे, जिन्हों पानी की कदर पता होवे। तुसी इतों दुआबे चो या माझे चो किसी भेज देने, उन्होंने तो पानी पता नहीं, उन्होंने दिन पहला तो ठुडा ठोकर मारते हेठों पानी निकल आता सी, असी पहले दिनों असी रेगिस्तान चो बाग लाए साहब, असी रेते दे टिब्बिया दे उत्ते बाग लाए है, उत्थे अपने खून पसीने नाल उस लोक उस इलाके दे लोकां नूं दात देनी चाहीदी है। इस करके मैं कह रहा भी आ डिबेट उत्थे फबदी है, नहीं तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चल के करिए साहब हल। मैं तुहानूं दस्सिया साहब पानी है अगर उत्थे यमुना तो लैके, अज भी फिर डिबेट के इशूज आ जाते, अज भी हरियाणे कोल 0.04% पानी अपने तो फालतू है, अगर टोटल क्वांटम ऑफ वाटर लिया जाए जिहड़ा उन्हां कोल घग्गर चो भी आता है उत्थों जिहड़ा उत्तों लैके आई जांदे पानी, यमुना के अलावा जिहड़ा इन्हां कोल टोटल पानी आ जांदा, उहदा टोटल मकदार है साढ़े तो ज़्यादा है, वेरेज उन्हां कोल 40% होना चाहिए सीगा। सो इन्हां ने साडा पक्ष जिहड़ा कमजोर किया है, पर वह आंकड़े पता नहीं भगवान मान जी कहिंदे मैं बिना कोई रिकॉर्ड दे दस दूंगा, मैं तो नहीं कहिंदा साहब, उन्होंने पता नहीं इंडस्ट्री टी का भी पता भी क्यों बनी सी या नहीं बनी सी, वो तो चलो सारे पढ़े लिखे लोग दस देंगे, पर अजकल मैं लगता जिस हिसाब ना अफसरशाही इन्हों मगर पई है कि उत्थे भी इन्हों का जलूस ना कढ़ा दे डिबेट से पहला तैयारी करके आने तो बेहतर होगा। मैंने नाम नहीं लिया जी किसी का, सॉरी मैं मकान की बात कर रहा हूँ, मकान चाहे शीश महल हो चाहे किसी एम पी का हो, ये जवाब दें किसका आज मकान खतरे में है। देखिए इन बातों पे अब केजरीवाल साहब जब इनको सरकारी मेहमान बनाते हैं तब इनको प्रॉब्लम हो जाती है, जब इनका मकान छीनते तब प्रॉब्लम हो जाती है, अब इसका क्या क्या जवाब देंगे, मैं इनका क्या जवाब दूं साहब। थैंक यू। मौका तो बाद में देंगे साहब, पहले जवाब दें, कल मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश गए, कल पहुंचे वहां पे, मैं इसलिए कह रहा हूं कल वो उनका जो जेट है 10 लाख रुपए घंटे पे जिसको लीज करते हैं वो कानपुर उतरा, माइंड यू साहब मैं इसलिए नहीं कहना चाहता था बिकॉज मैंने वहां से रिपोर्ट मांगी है यूपी गवर्नमेंट से, वहां पे कौन सी ऑफिशियल मीटिंग थी, क्योंकि सरकारी प्लेन का इस्तेमाल चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर किसी ऑफिशियल मीटिंग के लिए कर सकते हैं। मेरा सवाल भगवंत मान जी से ये है कि जब वो वहाँ पे हैं मध्य प्रदेश में, वहीं बता दे कानपुर के अंदर या यूपी के अंदर उनकी कौन सी ऑफिशियल मीटिंग थी कि उनको वहाँ पे उतरना पड़ा। ये जो खर्चा है हम इलेक्शन कमीशन में भी जाएंगे ताकि ये इनके अकाउंट पे और इनसे यहाँ से पर्सनल तौर से लिया जाए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, ध्यान वही बात फिर वही आ जाती है, इट्स ऑल बेसिकली एन एक्सरसाइज ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड डिसेप्शन। थैंक यू सर।